मॉर्निंग एवरीवन। चलो, क्या अपना ये प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट हो गया था ना आपका, है ना, दैट वी हैव डन। सो करना क्या था उसमें, आपको बेसिकली सेल डी डी बनानी थी, बस जो रिसाइडल्स वाला पार्ट है वो चेंज करना था, है ना। एक बार चेक कर लो ड्राफ्ट, ये आपने देखा है ड्राफ्ट या नहीं देखा है? डिस्कस कर लिया था ना हम लोगों ने। अच्छा ठीक है, चलो आगे देखें। नेक्स्ट, अग्रीमेंट्स बाई कंपनी ऑफ अडॉप्टिंग कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। अच्छा, ये वो बेसिकली अडॉप्शन कॉन्ट्रैक्ट है जो कंपनी कब कर रही है, आफ्टर इट्स इनकॉर्पोरेशन, है ना। सो कॉन्ट्रैक्ट बनाया किसने था ओरिजिनली, प्रमोटर्स ने बनाया था, एंड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी सेम कॉन्ट्रैक्ट अडॉप्ट कर रही है ना। सो दिस बेसिकली इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अडॉप्शन ऑफ अ प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट, है ना। टाइटल भी इसको वैसे ही देना। किसके बीच में होगा, कॉन्ट्रैक्ट बनाया किसने था ओरिजिनली, प्रमोटर्स ने बनाया था, है ना, किसके बिहाफ पर, कंपनी के बिहाफ पर। सो यहाँ पर बेसिकली आपका प्रमोटर प्रमोटर और कंपनी के बीच में है। अच्छा, क्या लिखोगे रिसाइटल्स में जी, है? अच्छा, पुराने कॉन्ट्रैक्ट का रेफरेंस दे रहे हैं, ठीक है। कैसे लिखूं पुराने कॉन्ट्रैक्ट का रेफरेंस में, तो क्या लिखना है? अच्छा, प्रमोटर्स डिड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, ओके ठीक है। ठीक है, और बस एनहेंस दिस अग्रीमेंट, ऐसा। हाँ, और क्या? हाँ ठीक है, लिख लीजिए। इसे लिख दो ना, एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेज ऑफ लैंड ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, है ना। जी सर, बोर्ड मीटिंग का। अच्छा, अडॉप्शन के लिए बोल रहे हैं। हाँ लिख सकता है, वैसे भी लिख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोर्ड मीटिंग का रेफरेंस देना है। मिस कृष्णा, क्या गिफ्ट दिया सर निकल आपको फिर? नो, रिटर्न गिफ्ट नहीं दिया आपको कुछ भी? माय आइडिया, मैं क्यों? 3 महीना 13 मिसाल है, जबरदस्ती मेरे को नाचने बुला लिया तुम लोगों ने। जपाटा की एंट्री पूरी हो गई सर मेरी, है? नहीं, मैं तो आई एम सेलिंग, मतलब हो गया ट्रांजैक्शन कंप्लीट, मतलब पैसे आना बाकी है। लिखो फालतू की बातें दिन भर। हाँ मैम, आपको भी लेके जाता हूँ ना मैं।
बिल्कुल लेके जाता हूँ। अरे मैं खुद तो चला जाऊँ पहले, मेरे खुद के ठिकाने नहीं पड़ते यार। ओके, आईटी कंपनीज के अंदर है ना, सो आफ्टरनून में जाना पड़ता है और आफ्टरनून में मैं होता ही नहीं हूँ, तो इट्स लाइक मेरे खुद के आउटलेट्स में चार चार पाँच पाँच महीने में एक बार जाता हूँ, और वो भी उस दिन या तो क्लास की छुट्टी होगी या फिर मैंने छुट्टी ली है तो ही हो पाता था। वैसे तो साल में दो तीन बार, मतलब मैं ऐसे आउटलेट वो इतना खुश हो जाते हैं ना कि वाह सर फाइनली आए देखने के लिए। ऐसे साल में तीन बार चार बार जाता हूँ मैं बस, के साथ वही नहीं पता। चलो बोलो क्या लिखना है, बॉडी और क्या बोल रहे हैं मैम? क्या बोल रहे, समझ में ही नहीं आ रहा मेरे को। कंपनी किधर है? कंपनी उधर ही है ना। मैं वो रिसाइटल्स में लिखते रहे, अपन तो बॉडी लिख रहे हैं। क्या लिखा है? ये है ना डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टीज। अच्छा प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन। अच्छा आप बोले कंपनी किधर है तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि कंपनी का डिस्क्रिप्शन हम यहाँ क्यों लिखेंगे। अच्छा अच्छा प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन। मैम आप ऐसा अग्रीमेंट का रेफरेंस दे रहे हैं ना यहाँ पे, तो ज़रूरत नहीं मेरे हिसाब से। और क्या लिखेंगे? हाँ और ये वाली कंपनी मैंने फर्स्ट टाइम देखी है, ऐसी वाली कौन सी कंपनी होती है? हाँ यूजली ये ऐसा वाला स्ट्रक्चर बोलते हैं, आपने कंपनी ऐसी कर दी। हाँ थोड़ा मैं खुद कंफ्यूज हो गया एक्चुअली में। हाँ बहुत, मतलब जहाँ तुमने इधर उधर की फालतू बातें की ना तुम सब एक्टिव हो जाते हो एकदम, नहीं तो हाँ ना। हाँ बोलो क्या है, क्या लिखे कृष्णा, बोलो जल्दी से। कंसिडरेशन, चलो ठीक है डन। तो मैं वो रेफरेंस दिया ना इसलिए उसकी ज़रूरत नहीं। और क्या? अडॉप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कंसिडरेशन में क्या लिखोगे? वही ना। हाँ और और कुछ? बाद में क्या होगा? बाद में क्या होगा? प्रमोटर्स का क्या करना है आपको? प्रमोटर्स क्यों नहीं रहेंगे? हैं? रहेगा ना, उसमें क्या प्रॉपर्टी बेची थोड़ी ना, हार्ट किडनी बेच के आ गया है, उसमें क्या प्रॉपर्टी तो है। हाँ रहेगा, प्रमोटर रहेगा ना। और वो इसमें लिखना कंसिडरेशन में, सब सब जितना लिखना है सब डाल दे, कोई दिक्कत नहीं है। और बस ना। हाँ चलो सुनो कहानी, अब क्या लिखना है। डिस्क्रिप्शन आपको आता ही है। प्रमोटर्स कैसे लिख लीजिए? दैट द प्रमोटर्स ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी एग्जीक्यूटेड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन सम प्रीवियस डेट, ऐसे करके। एंड वेर एज द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज इन द मीन वाइल इशूड अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन टू द एप्लीकेंट्स और टू द प्रमोटर्स in the name and style of dash, and whereas the articles of association of the company allowed the promoters to enter into a pre-incorporation contract, and whereas the promoters of the company purchased a land on behalf of the proposed company on dash, and whereas the board of directors of the company at its meeting held on dash decided to adopt the said contract on behalf of the company which was executed by the promoters and hence this agreement, है ना। सो प्रमोटर्स ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, दूसरा फिर कंपनी ने सॉरी आर ओ सी ने सर्टिफिकेट ऑफ इंकॉर्पोरेशन दे दिया आपको। कंपनी के आर्टिकल्स में ये अडॉप्शन के बारे में बात की हुई थी। प्रमोटर्स ने जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया वो कंपनी ने अकॉर्डिंगली अडॉप्ट कर लिया इन इट्स बोर्ड मीटिंग, है ना। इस तरीके से रिसाइटल्स। कंसिडरेशन में क्या? पहला अडॉप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी एंड इट्स मीटिंग हेल्ड ऑन डैश डिसाइडेड टू
अडॉप्ट अ कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड बिटवीन से द प्रमोटर्स एंड सेलर, है ना, वो सेलर का कुछ भी एक नाम करके ऐसा करके छोड़ देना. सेकेंड फिर कंसिडरेशन, हाँ, अलॉन्ग विथ ऑल इट्स राइट्स एंड लाइबिलिटीज, बस ये स्पेसिफाई कर देना उसके अंदर, तो थोड़ा क्लैरिटी रहती है. कंसिडरेशन में दैट एनी अमाउंट इंक्लूडिंग द कंसिडरेशन और एनी अदर लीगल चार्जेस एट एक्चुअल्स शैल बी रीइंबर्स टू द प्रमोटर्स ऑन सबमिशन ऑफ नेसेसरी बिल्स, है ना, वो पूरा पूरा पैसा आप रीइंबर्स कर दोगे. नो फर्दर लाइबिलिटी में कि विथ इफेक्ट फ्रॉम द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस अग्रीमेंट और विथ इफेक्ट फ्रॉम दिस डेट द प्रमोटर शैल नॉट अज्यूम एनी लाइबिलिटी एंड एनी लाइबिलिटी हेंसफोर्थ शैल बी ऑफ द कंपनी. मतलब इस डेट से सारी की सारी लाइबिलिटीज किसकी हो जाएगी, कंपनी की या प्रमोटर्स का, उससे कोई लेने देना नहीं है. करो स्टार्ट, आप लोग वीडियो पॉज कर लीजिए, एक बार कंप्लीट कर लो पहले ड्राफ्ट. चलो देख ले एक बार ड्राफ्ट जरा, ये सब कुछ अच्छे इजी इजी वाले ड्राफ्ट से यार, ऐसे कुछ एग्जाम में ऐसे प्रार्थना करके जाना, स्कोर अच्छा आ जाएगा. हाँ, आप लोगों को सच में ज़रूरत भी है, मुझे ऐसा लग रहा है. सब प्रार्थना वार्थना सब स्टार्ट कर दो. क्या न्यू सिलेबस, क्या पोजीशन, दो दे रहे हो ना, एक सब एक एक पे आ गए. थर्ड वाला दे सकते हो यार, क्यों, अरे भाई साहब. और इधर दो ना, 1-3, हाँ वो सही है यार एक्चुअली. हाँ सेकंड मत दे भाई, सेकंड वेस्ट है. क्या थर्ड, फर्स्ट में क्या क्या, टैक्स, एथिक्स, मैनेजेबल है. फर्स्ट तो ठीक है यार, कुछ बहुत वो नहीं है. तीनों तुम्हारे कंट्रोल वाले सब्जेक्ट्स हैं, मतलब बैचेस हो ही गई तुम लोग के ऑलमोस्ट ना. मल्टी सर से बात हुई थी ना कुछ, हाँ वो बोले कुछ संडे संडे का ऐसा कुछ बोलते रहते हैं. नो भाई, मेरे को आता ही नहीं है सब, मेरे को पता ही नहीं है यार, आज तक कभी देखी नहीं, मैंने तो बुक खोल के भी नहीं देखी. और कौन सा है उसमें, अच्छा वो उसमें है क्या, 3 में, अरे वाह बधाइयाँ, वो तो अच्छा है यार, मैनेजेबल है. तू आ जाएगा ना इवनिंग में, हाँ सिलेबस पूरा खत्म हो जाएगा, मतलब अगर देर आए ग्रुप 3 आ जा बिंदास, उसमें क्या 5 हाँ वो आफ्टरनून में था, बट वो मैंने स्प्लिट किया क्योंकि वो बहुत कंफ्यूजन है यार, ओल्ड न्यू का, तो मैं इसलिए इवनिंग में अलग से ले रहा हूँ लोगों का. देख ले तेरे को घर आना है बिंदास, अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो जाएगा. बीस तुम लोगों का पोर्शन पूरा एग्जीक्यूटिव से ही उड़ा के फाइनल में डाला है, वो सेम ही है कंटेंट. तो चलो पढ़ ले. हाँ सो ये आपने दोनों पार्टीज लिख दी, पहला ये ABC आपके प्रमोटर्स हो गए, दूसरा आपका कंपनी हो गई, है ना. फिर आपने ये डिस्क्राइब कर दिया, ROC ने सर्टिफिकेट इशू किया था वो आपने लिख दिया है. फिर प्रमोटर्स ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी एग्जीक्यूट एन अग्रीमेंट फॉर परचेज ऑफ अ प्लॉट ऑफ लैंड विच शैल नाउ बी अडॉप्टेड बाय द कंपनी एंड हेंस दिस अग्रीमेंट, है ना. सो प्रमोटर्स ने पहले कॉन्ट्रैक्ट बनाया था और अब उसको कौन अडॉप्ट कर रहा है, कंपनी बेसिकली अडॉप्ट कर रही है. सो अडॉप्शन ऑफ एन अग्रीमेंट, पहला कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट पहले प्रमोटर्स ने बनाया था वो एज इट इज़ कंपनी पूरा के पूरा अडॉप्ट कर रही है. सेकेंड कंसिडरेशन पेड बाय द प्रमोटर्स टू द सेलर्स अलॉन्ग विद द नेसेसरी कॉस्ट शैल बी रीइंबर्स्ड बाय द कंपनी एट एक्चुअल्स, है ना. सो जो भी टोटल अमाउंट था वो आपने एट एक्चुअल्स रीइंबर्स कर दिया. एंड नो फर्दर लाइबिलिटी, मतलब इस डेट से अब प्रमोटर्स की आगे कोई लाइबिलिटी नहीं रहेगी, सारी की सारी किसकी है, कंपनी की लाइबिलिटी है. सो दैट फ्रॉम द डेट ऑफ दिस अग्रीमेंट द प्रमोटर्स डू नॉट होल्ड एनी फर्दर लाइबिलिटी ऑन बिहाफ द कंपनी एंड ऑल द लाइबिलिटीज हेंसफोर्थ शैल बी दैट ऑफ द कंपनी, है ना. सो बस ये सिंपल सा आपका ड्राफ्ट है. चलो आगे देखना. अब यार ये कुछ ना इसमें थ्योरी पार्ट है, अब आराम से मेरे हिसाब से ड्राफ्टिंग वाला काम नहीं है, बस वो जैसे आप थ्योरी पढ़ते हो लिखते रहते हो वैसे देखते जाना हम जरा. बट ये आप बता सकते हो मेरे को, खैर आपने सब दो दो तीन तीन बार पढ़ा होगा आई एम श्योर.
दो मेन डॉक्यूमेंट्स कंपनी के, मेमोरेंडम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. क्या होता है मेमोरेंडम? क्या होता है? क्या होता है? हट, कुछ भी. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जिसमें क्लॉजेस. हट, कैसी बातें कर रहे हो? क्या बोल रहे हो? अरे डेफिनेशन पूछ रहा हूँ, आप मेरे को सब उसके अलग अलग मीनिंग्स बता रहे हो. अरे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मीन्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. तो डेफिनेशन जो एक्ट मिलती है वो भी बता रहा हूँ ना आपको, है ना. सो कैसे डिफाइन किया इन लोगों ने? देयर सेइंग मीन्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एज ओरिजिनली फ्रेम्ड, है ना. सो दो चीज़ें, पहला ओरिजिनली फ्रेम्ड. ओरिजिनली फ्रेम्ड मतलब कब बनाते हो आप? हाँ, सो दिस इज फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन और एज ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम. आर्टिकल्स भी सेम फॉर्म में डिफाइन किया है, मीन्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एज ओरिजिनली फ्रेम्ड एंड एज ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, है ना. सो ये जो ऑल्टरेशन होता है ये कब होता है? ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी. कितनी बार आप मेमोरेंडम आर्टिकल्स ऑल्टर कर सकते हो इन अ ईयर? कोई लिमिट नहीं है क्या? आप बात कर रहे हो? ट्वाइस इन अ क्वार्टर नहीं पढ़ा आप लोगों ने? अरे एक क्वार्टर में दो ही बार मेमोरेंडम आर्टिकल सबमिट हो सकता है? नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा? मैम कैसी बातें कर रहे हो? आपने तो बताया था लास्ट टाइम मेरे पास ही. फिर नहीं पढ़ा होगा. ठीक है चल. हाँ, सो एज ओरिजिनली फ्रेम्ड एंड एज ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम. अच्छा, क्या प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट, चार्टर डॉक्यूमेंट, जो भी ज्ञान गणित आप दे रहे थे वो सब सही है, है ना. सो क्या, अच्छा फिर उसके बाद सब्सक्राइबर्स होते हैं कुछ मेमोरेंडम के, साइन करते हैं मेमोरेंडम. कौन साइन करता है? प्रमोटर साइन करते हैं. बुल सिट. सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम साइंस कॉपी ऑफ द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स. कितने सब्सक्राइबर्स चाहिए? सब में दो? नहीं, प्राइवेट में दो और पब्लिक में सात और ओपीसी में एक, है ना. सो जितने मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हैं इतने आपके मिनिमम सब्सक्राइबर्स होने चाहिए. अच्छा, शेयर्स नहीं सब्सक्राइब किए फिर भी आपको सब्सक्राइबर्स चाहिए क्या? कैन यू फॉर्म अ कंपनी विद जीरो कैपिटल? यस. तो व्हाट विल यू सब्सक्राइब देन? गारंटी कंपनी इज डिफरेंट सर. अब आई कंपनी विद शेयर कैपिटल की बात कर रहा हूँ. क्यों? हाँ मुझे भी नहीं पता, मैं वही बात पूछ रहा हूँ आपसे. वैसे एक रुपये वाला फंडा कहाँ से है? कम से कम एक रुपये का एक शेयर सर. मेरा सब्सक्रिप्शन क्लॉज रहेगा ही नहीं. हाँ वेरी गुड, आएगा ना, बट क्या सब्सक्राइब करोगे? शेयर सब्सक्राइब, बट कैपिटल है ही नहीं. आप अभी बोले ना कंपनी कैन बी फाउंड विद जीरो कैपिटल. जीरो कैपिटल से नहीं बन सकती? हाँ बन सकती है ना. वेरी नाइस. तो कंपनी आपने बनाई जीरो कैपिटल के साथ, ठीक है. मतलब आपने शेयर सब्सक्राइब नहीं किए तो फिर सब्सक्रिप्शन क्लॉज में क्या करोगे? कौन साइन करेगा? हाँ मतलब इससे बेसिक क्वेश्चन नहीं हो सकता है. लड़की फोन आए का? ठीक है. अच्छा नाश्ता कर रहे हो? भूख लग रही है? खा लो. खाने वाले को प्रॉब्लम नहीं है. हाँ क्या करना है? आराम से खाओ, आराम से खाओ. क्या करो बोलो? बन सकती है? श्योर एवरीवन. मतलब कंपनी जीरो कैपिटल से बन गई आपकी और सब्सक्रिप्शन क्लॉज में कुछ भी नहीं रहेगा. नो सब्सक्राइबर्स.
मैम गारंटी तो बहुत अलग चीज़ हो गई, गारंटी मतलब आप वो आपने टोन ही बदल दिया कंपनी का। मैंने बोला जीरो रहेगी। अच्छा एक्ट में ऐसे कहाँ लिखा है कि कुछ तो मिनिमम रहेगी? हाँ मतलब जैसे आप जो, मैं आपके इमोशंस की बहुत कदर करता हूँ, मतलब खैर सवाल ही नहीं, आपका सोचना बिल्कुल सही है लेकिन बाधित मैं एक्ट की वजह से हूँ, क्या करूँ ना उसमें। कोई एक लाइन ऐसी लिख दी ना कि सब साला कबाड़ा कर दिया इन लोगों ने। हाँ जी बोलो, तेरे बिहाफ पे बोलूँ? नहीं ना। हाँ बोलो क्या करना है। हाँ जी बोलो बोलो जल्दी से, तुम साला फालतू के धंधे मत करवाया करो किसी से। हाँ क्या करना है, कोई थॉट? नहीं पता। हाँ तो ढूंढ के लाना आज, मेरे को भी नहीं पता वैसे। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, एक बार क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, सुन लो। कंपनी आपने बनाई जीरो कैपिटल के साथ, आपने बोला कि ओपीसी में एक, प्राइवेट में दो, पब्लिक में सात सब्सक्राइबर्स चाहिए। अब मेरा आपसे सिंपल ये पूछना है कि जब मेरी कैपिटल जीरो है तो सब्सक्राइब क्या करोगे? अगर आप बोलते हैं 1, 2, 7 चाहिए तो व्हाट विल दे सब्सक्राइब फॉर इज माय क्वेश्चन। चलो मैम मेरे को सच में नहीं पता, सच में नहीं पता, मैं खुद आज घर जाके ढूंढूंगा कि क्या है इसका आंसर और फिर मैं आपको कल बताता हूँ पक्के से पढ़ के, है ना। आप भी ढूंढो मैं भी ढूंढता हूँ, देखते किसका आंसर ज़्यादा अच्छा रहता है ना। कल अपन कॉम्पिटिशन रखेंगे उसके ऊपर। चलो सो अब ये कुछ फॉर्म्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपको दिए हुए हैं। अब ये नया एक्ट में पहली बार आया है, उसके पहले सिर्फ आर्टिकल्स के स्टैंडर्ड फॉर्म्स थे, ऐसे मेमोरेंडम के फॉर्म नहीं थे। सी फॉर्म्स का मेन पर्पस क्या होता है ना, ये स्टैंडर्ड टेम्पलेट है, इसके अंदर आपको सारे क्लॉज की ड्राफ्टिंग कैसे होती है वो सब आपको बताया हुआ है। सो ये 5 टेबल्स आपकी मेमोरेंडम की, 5 टेबल्स आपकी आर्टिकल्स की है कि आप डिपेंड मतलब आप कौन सी कंपनी चूज़ करते हो। अब जैसे लायबिलिटी के बेसिस पे हम लोग 3 तरीके से कंपनी बना सकते हैं, कौन कौन सी? पहली लिमिटेड बाय शेयर्स, दूसरा लिमिटेड बाय गारंटी और थर्ड अनलिमिटेड लायबिलिटी। सो ये 3 कंपनीज बन सकती है, लिमिटेड बाय शेयर्स, सिंपल लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी 2 तरीके से बन सकती है, कौन कौन सी? विथ शेयर कैपिटल, विदाउट शेयर कैपिटल, एंड लाइकवाइज अनलिमिटेड कंपनी विथ शेयर कैपिटल, विदाउट शेयर कैपिटल। मैं बिलीव कर रहा हूँ कि आपको पता है गारंटी कंपनी विथ शेयर कैपिटल क्या होती है, अनलिमिटेड कंपनी विथ शेयर कैपिटल क्या होती है, क्या होती है बता दो जल्दी से। गारंटी कंपनी विथ शेयर कैपिटल, ओके एक स्टेप पीछे आते हैं, व्हाट इज अ गारंटी कंपनी? हाँ मेंबर्स लायबिलिटीज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ गारंटी गिवन बाय देम, है ना। और गारंटी का पैसा कब मंगवाते हो आप? रिजोल्यूशन वाइंडिंग अप के वक्त, है ना। अच्छा गारंटी कंपनी विथ शेयर कैपिटल मतलब क्या कि गारंटी भी है और शेयर कैपिटल भी है। सो इसमें मेंबर्स पैसा 2 बार देंगे, एक शेयर कैपिटल का पैसा ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, दूसरा गारंटी का पैसा एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, ठीक है। लाइकवाइज अनलिमिटेड कंपनी, लायबिलिटी अनलिमिटेड है, जब डिसॉल्व करोगे तब उस दिन लायबिलिटी आइडेंटिफाई करना, जो भी लॉसेज हैं सब मेंबर्स के बीच में प्रोपोर्शनली आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। और अगर उसमें विथ शेयर कैपिटल है तो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ दिस अनलिमिटेड कंपनी आपको जो भी आपने प्रॉमिस किया है इतने शेयर्स आपको सब्सक्राइब करने और कंपनी को पैसा देना है, सिंपल, ठीक है। सो कौन सी टेबल अडॉप्ट करोगे अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है? टेबल ए गारंटी कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, बी गारंटी कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, सी अनलिमिटेड लाइबिलिटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, डी एंड हैविंग शेयर कैपिटल अनलिमिटेड लाइबिलिटी टेबल ई, है ना। ये सब क्या है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स है जो एक कंपनी अडॉप्ट कर सकती है ड्यूरिंग इट्स इनकॉर्पोरेशन, राइट। मतलब अगर उसको पता नहीं कि कैसे बनता है मेमोरेंडम तो उसमें से कोई सी भी टेबल वो अडॉप्ट कर सकती है। इसमें उसको वो फॉर्मेट स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स आपको दिए हैं कि मेमोरेंडम एक्चुअली में दिखता कैसा और बनता कैसा है, राइट। जो भी आपका ऑब्जेक्ट है ऑब्वियसली आप उसके हिसाब से क्लॉज डिफाइन करोगे, डिसाइड करोगे, ठीक है। चलिए अब ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की कुछ क्लॉजेस, हाँ जी कौन कौन से क्लॉजेस होते हैं? 6, नेम, रजिस्टर्ड ऑफिस, ऑब्जेक्ट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, सब्सक्रिप्शन, है ना।
आपका रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज इज ऑल्सो कॉल्ड ए सिचुएशन क्लॉज एंड सब्सक्रिप्शन क्लॉज इज ऑल्सो कॉल्ड एज एसोसिएशन क्लॉज, है ना, मतलब दोनों का सेम ही है. तो पहला क्लॉज आपका इज बेसिकली नेम क्लॉज. क्या लिखते हो नेम क्लॉज में? सिंपली एक लाइन में लिखा हुआ रहता है दैट द नेम ऑफ द कंपनी इज. जो भी नाम आपने लिखा है फॉलोड बाय सफिक्स. ओपीसी तो ओपीसी, प्राइवेट लिमिटेड है तो प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड है तो लिमिटेड, है ना. बस ये इतना ही लिखा होता है इस क्लॉज के अंदर. अच्छा वही नाम होता है जो आरओसी ने आपकी नेम एप्लीकेशन के ऊपर अप्रूव किया था, सेम नाम हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, है ना. अच्छा आपसे नेम डिसाइड करने के कुछ रूल्स हैं कि जो भी नाम आपने डिसाइड किया है द नेम शुड नॉट बी अनडिजायरेबल, है ना. फिर इट शुड नॉट बी सिमिलर और डिसेप्टिवली सिमिलर टू एन एग्जिस्टिंग नेम, है ना, किसी एग्जिस्टिंग नेम से बिल्कुल सेम नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट इट शुड नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस अच्छा एंड इम्पॉर्टेंटली इट शुड नॉट रिफ्लेक्ट एनी कनेक्शन विथ द गवर्नमेंट. मतलब अंटिल अनलेस इट इज़ अ गवर्नमेंट कंपनी, वो नाम पढ़ के आपको ऐसे गवर्नमेंट वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए. जैसे बहुत बार होता है ना, जैसे आपने वर्ड अगर नाम में भारत यूज़ किया है, हिंदुस्तान यूज़ किया है, नेशनल यूज़ किया है, इंडिया यूज़ किया है, तो वो सुन के ऐसा लगता है अपने को कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है. तो एटलीस्ट उस चीज़ को लेकर क्लैरिटी रहे कि अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो ठीक है, फिर गवर्नमेंट का अगर वो कनेक्शन दिखता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर कंपनी है तो फिर वो गवर्नमेंट का कोई इन्फ्लुएंस या कनेक्शन नहीं दिखना चाहिए. क्या बोल रहे हैं? ओके हाँ सही बोल रहा है जो भी बोल रहा है. आगे अच्छा ये क्या होता है अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए, सिमिलर और डिसेप्टिवली सिमिलर नहीं होना चाहिए, मतलब सिर्फ दिखने में सेम नहीं, मतलब वो सुनने में भी सेम नहीं लगना चाहिए, है ना. जैसे वो ऐसे आते हैं ना बहुत बार, ये तो खैर रजिस्टर्ड केस था वो I2 टेक्नोलॉजीज वाला, एक इस नाम से कंपनी और दूसरी I2. अब आप ऐसे देखोगे तो दो अलग अलग नाम है ना, मतलब सिस्टम के लिए दो अलग नाम है, ये I2 है, दिस इज I2. अब इसको भी आप पढ़ोगे EYETWO करके तो नहीं पढ़ सकते इसको, ऑब्वियसली आप I2 पढ़ते हो, इसको भी आप I2 पढ़ते हो, तो सिस्टम के लिए दो अलग नाम है बट दे साउंड सिमिलर, राइट. सो दिस मे क्रिएट सम काइंड ऑफ कन्फ्यूजन, है ना. फिर अपने यहाँ पे जैसे वो एक अमेरिकन डिक्शनरी, एक यूरोपियन डिक्शनरी का बहुत बड़ा वो डिफरेंस रहता है, कलर और कलर, है ना, ये अलग अलग माने जाते हैं, दोनों सही है. आप इंग्लिश के हिसाब से देखते हो तो दिस इज ऑल्सो राइट, दिस इज ऑल्सो राइट, बट डिफरेंस है. आपने ऑर्गेनाइजेशन ZATION SATION दोनों चलते हैं, राइट, दोनों सही है, कोई S को ठीक मानता है, कोई Z को ठीक मानता है, वो डिपेंड करता है. तो ये इस तरीके के कोई भी कन्फ्यूजन आपके नाम में ना हो, राइट. इट शुड नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस. किसी के कोई रिलीजियस सेंटिमेंट्स अफेक्ट होते हो ऐसा आप कोई नाम अपने नाम के अंदर मत लिखो, है ना. और पर्टिकुलरली वो रिलीजन वाले जो फैक्टर्स होते हैं उसमें अगर आप किसी भगवान का नाम यूज़ करो, किसी कास्ट का, क्रीड का नाम आप यूज़ करो तो उसको बेसिकली आप अवॉइड करो. क्यों? दैट मे प्रोवोक सम थॉट्स एंटिल द टाइम यूर इन इंडिया, दैट एक्चुअली बिकम्स द मेन फैक्टर. सो अवॉइड सच काइंड ऑफ नेम्स, राइट, विच मे क्रिएट एनी लाइकली पॉसिबिलिटी ऑफ सम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. तो वैसा कुछ नहीं होना चाहिए, राइट. अच्छा ये तो बेसिक चीज़ हो गई थी कि भाई नाम क्या रखना है आपको. दूसरा अब अगर आपको नाम चेंज करना है, राइट, तो नाम चेंज करने के लिए अप्रूवल किसका लगता है आपको? आरओसी तो आपको सिर्फ नाम अप्रूव करके दे देगा, अथॉरिटी कौन सी अल्टीमेटली? सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब आरओसी ना, मतलब पावर्स हैव बीन डेलीगेटेड टू आरओसी. आरओसी मतलब सीआरसी हो गया बेसिकली, वो सारा के सारा सीआरसी हो गया, इट्स ऑल सेंट्रलाइज्ड नाउ. कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स सेंट्रल सॉरी शेयर होल्डर्स, है ना. तो आपको जनरल मीटिंग स्पेशल रेजोल्यूशन बेसिकली पास करना है जब भी कंपनी को नाम चेंज करना है, राइट. सो एनी काइंड ऑफ ऑल्ट्रेशन
requires permission of shareholders by way of a special resolution. पढ़ा है ना आप लोगों ने, नेम एप्लीकेशन करते हैं विद द रिवाइज नेम, द नेम इज ब्लॉक्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज, है ना, 60 दिन के लिए आप कभी भी वो रन फॉर्म स्पाइस 32 पढ़ा है आपने ना. अच्छा, मेमोरेंडम आर्टिकल्स कोई भी चेंज करो आप, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, सभी जगह स्पेशल रेजोल्यूशन है एक्सेप्ट अपार्ट फ्रॉम कैपिटल क्लॉज. कैपिटल में ऑर्डिनरी लगता है आपको, बाकी सभी जगह स्पेशल लगता है ना. सो बाय डिफॉल्ट वही लिख के आना. अच्छा, अब जैसे रजिस्टर्ड ऑफिस आपने शिफ्ट किया विद इन द सेम सिटी, तो उसके लिए शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लगता ही नहीं है क्योंकि सिटी सेम ही है आपकी, तो उसके इसमें बोर्ड का अप्रूवल है. बट अदरवाइज जहाँ पर भी शेयर होल्डर्स का अप्रूवल एक्सेप्ट कैपिटल क्लॉज, आपको हमेशा कौन सा रेजोल्यूशन चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए ना. अब इसमें ना दो पॉसिबिलिटीज दी हुई है नेम चेंज के लिए. ऐसा कहना है कि आपने जैसे सपोज कोई नाम ऑलरेडी अप्रूव कर लिया है ना, आरओसी ने मतलब आपका नाम अप्रूव कर दिया, सीआरसी ने आपका नाम अप्रूव कर दिया, अब सेंट्रल गवर्नमेंट को खुद से पता चलता है कि यार ये नाम किसी एग्जिस्टिंग नेम से सिमिलर है, राइट. तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, इट विल इंस्ट्रक्ट द कंपनी, कौन सी कंपनी, पहली वाली दूसरी वाली, दूसरी वाली कंपनी को इंस्ट्रक्शन देगी कि आपको आपका नाम चेंज करना है विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months, है ना, 3 महीने के अंदर अंदर उसको नाम चेंज करना है. जब सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन से आपको नाम चेंज करना है, उस केस में यू डोंट रिक्वायर अ स्पेशल रेजोल्यूशन, यू हैव टू हैव एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से आप नाम चेंज कर सकते हो, है ना. कब, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन इट्स ओन, द नेम इज सिमिलर टू एन एग्जिस्टिंग नेम, तो उस केस में आपको क्या करना है, जनरल मीटिंग में यू हैव टू पास एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. और कंपनी को कितने टाइम पीरियड में नाम चेंज करना है, विद इन 3 months ऑफ नोटिस. कंपनी अपना नाम चेंज कर लेगी. दूसरी पॉसिबिलिटी, अच्छा ये तो क्या हो गया, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की सुमोटो पावर्स हैं जब उन्हें खुद से पता चला. अच्छा, फिर सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कम्स टू नो बेस्ड अपॉन एन एप्लीकेशन फ्रॉम ट्रेडमार्क होल्डर. मतलब अगर कोई टीएम होल्डर है और उसे पता चलता है कि जो उसका रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है उससे ही सिमिलर नेम से अगर कोई कंपनी बनी हुई है, तो वो क्या करता है, ही बेसिकली रिक्वेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट टू आस्क द सेकेंड कंपनी टू चेंज इट्स नेम. है ना, तो वो किसको एप्लीकेशन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, कि आप उस कंपनी को इंस्ट्रक्ट करो कि वो कंपनी अपना नाम चेंज करेगी. और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, उसके अकॉर्डिंगली एक ऑर्डर पास कर देती है. यहां पर टाइम पीरियड कितना है, 6 months. और अगेन कौन सी मीटिंग, कौन सा रेजोल्यूशन, जनरल मीटिंग, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. डन. नाउ ये जो एप्लीकेशन जाती है ना टीएम होल्डर की, ये कितने टाइम पीरियड के अंदर जानी चाहिए, 3 years, है ना. 3 years मतलब कब से, जब से सेकेंड कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है उसे 3 साल के अंदर अंदर आप ऑब्जेक्शन ले सकते हैं. सेंट्रलाइज होने के बाद ना एक्चुअली ये पार्ट थोड़ा सा अच्छा हो गया. पहले क्या होता था ना, मतलब ऑफकोर्स
आपका जो डेटाबेस था वो कॉमन ही था पहले भी, बट पहले ना अलग अलग ROCs थे, तो वो हमेशा कन्फ्यूजन होता था कि वो दिल्ली के ROC ने कुछ कर दिया और ये बॉम्बे वाला ROC कुछ और ही कर रहा है, तो उसमें ना बहुत बार कन्फ्यूजन आ जाता कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन ROCs विद रिस्पेक्ट टू नेम। अब क्योंकि सेंट्रलाइज कर दिया ना तो एक ही जगह से हो गया, और सबसे बेस्ट पार्ट ना वो लोकल लेवल पे जो करप्शन था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया इसमें, तो इन अ वे ठीक ही हुआ वो। ये समझ में आ रहा है आपको? सो क्या करना है कि 3 साल के अंदर अंदर कोई TM होल्डर एप्लीकेशन कर सकता है, जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि उसकी एप्लीकेशन वैलिड है वो इंस्ट्रक्ट करेगा उस कंपनी को टू चेंज इट्स नेम विद इन पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, जनरल मीटिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। क्लियर है सबको? चलिए, सो नॉर्मली आपको नेम चेंज करना है तो उसके लिए यू हैव टू हैव अ स्पेशल रेजोल्यूशन, बट व्हेन इट इज़ अपॉन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट उस केस में यू डोंट रिक्वायर एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, आप स्पेशल के बेसिस पे नाम चेंज, सॉरी स्पेशल नहीं लगता उस केस में, आप ऑर्डिनरी के बेसिस पर नाम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, सो ये पहला हो गया। अच्छा, दूसरा उसके बाद अब और क्या है इसमें? रजिस्टर्ड ऑफिस ही है ना सीधा, ये मैंने आपको बता दिया। हाँ, सेकेंड देखना आपका सिचुएशन क्लॉज। रजिस्टर्ड ऑफिस अगर आपको चेंज करना है तो 4 तरीकों से रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो सकता है। कैसे कैसे? विद इन द सेम सिटी, दूसरा सेम स्टेट डिफरेंट सिटीज सेम ROC, है ना, मतलब स्टेट सेम है सिटी बदली है बट ROC का ज्यूरिसडिक्शन नहीं बदला है ना। फिर थर्ड सेम स्टेट डिफरेंट ROCs, मतलब सिटी चेंज हुई है स्टेट सेम है लेकिन ROC बदल गया है। महाराष्ट्र ना फॉर एग्जांपल, यू गॉट बॉम्बे ROC, यू गॉट पुणे ROC, तो यहाँ पे अगर आपकी कंपनी पुणे से बॉम्बे जाती है तो दैट्स विद इन महाराष्ट्र बट डिफरेंट ROCs, है ना, तो ROCs का ज्यूरिसडिक्शन। एंड फोर्थ डिफरेंट स्टेट्स, राइट। तो सिर्फ ये आपका जो बोर्ड वाला पार्ट है, बोर्ड वाले केस में बेसिकली आपको अप्रूवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का लगता है बट बाकी सारे केसेस में आपका अप्रूवल किसका है? शेयर होल्डर्स का अप्रूवल है बाय वे ऑफ अ स्पेशल रेजोल्यूशन, है ना। सो सेकंड थर्ड फोर्थ तीनों पॉसिबल है ना। आना सेकंड क्या डूड आ रही यार। हाँ, सो बाकी आप कहीं पर भी अगर रजिस्टर ऑफिस चेंज करते हैं तो आपको क्या है, जनरल मीटिंग में यू हैव टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन। डन, आगे देखिए नेक्स्ट ऑब्जेक्ट्स क्लॉज। हाँ, ऑब्जेक्ट्स क्लॉज कैसे क्लासिफाई करते हैं हम लोग उसको? मेन 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, एज मेन ऑब्जेक्ट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। कौन सी एक्टिविटी कंपनी कर सकती है? मेन ऑब्जेक्ट्स वाली एक्टिविटी कर सकती है, अदर क्यों लिखते हैं फिर? हाँ जी, अदर ऑब्जेक्ट्स क्यों लिखते हो? सर एंसिलरी बहुत अलग चीज है, अदर ऑब्जेक्ट्स बहुत अलग चीज है। एंसिलरी मतलब उससे कनेक्टेड, एंसिलरी कंपनी हमेशा कैरी आउट कर सकती है बट अदर ऑब्जेक्ट्स आप कभी भी कैरी आउट नहीं कर सकते हो। ओके, फ्यूचर में कैरी आउट कर सकते हैं, फ्यूचर में अगर कुछ एक्स्ट्रा करना हो तो कर सकते हैं, तो वो कहाँ लिख दिया आपने? अदर ऑब्जेक्ट्स में लिख दिया। अच्छा, अब मान लीजिए कोई ऐसा बिजनेस आपकी करने की इच्छा है जो अदर ऑब्जेक्ट्स में नहीं लिखा हुआ है तो ऑल्टर करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। और कंपनी कौन सी एक्टिविटी कर सकती है जो कहाँ लिखा है? मेन ऑब्जेक्ट्स में। तो जब अदर ऑब्जेक्ट्स में लिखा है तो उसको अदर से मेन में लाने के लिए भी ऑल्टर करोगे? करोगे ना, क्योंकि अभी आपने, इसीलिए मैंने सबसे पहले यही पूछा, मैं बता, आप दिमाग लगाओगे इसमें। तो कौन सी एक्टिविटी कर सकती है? सिर्फ मेन वाली। अदर वाली कर सकती है क्या? नहीं। अब अगर अदर वाली करना है तो अदर टू मेन, जनरल मीटिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, ऑल्टरेशन है। अच्छा, कोई एक्टिविटी नहीं लिखी हुई आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, राइट, ऑब्जेक्ट्स क्लॉज में लिखी नहीं है, तो मतलब कहीं नहीं इससे मेन ऑब्जेक्ट, मतलब वापस जनरल मीटिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, तो फिर अदर क्यों बनाते हो? जी, और कुछ पापियों को मैंने पढ़ा है और मैंने बताया भी है, याद नहीं आ रहा है ना। बहुत बढ़िया। ओके, क्या था एक्चुअली अदर ऑब्जेक्ट्स? आप ऐसे रीजन अगर देखते हैं ना, तो पहले मतलब जब 1956 एक्ट था तो उसमें क्या होता था कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपके अदर ऑब्जेक्ट्स में नहीं है, अगर वो एक्टिविटी आपको करनी होती ना तो आपको शेयर होल्डर्स को जस्टिफिकेशन देना होता था कि कंपनी को ये बिजनेस एक्टिविटी क्यों कैरी आउट करनी है, रीज़न देना पड़ता था। जबकि अगर वो एक्टिविटी आपके अदर ऑब्जेक्ट्स में लिखी होती थी तो इट वॉज प्लेन एंड सिंपल कि आप अदर ऑब्जेक्ट्स से उसको मेन ऑब्जेक्ट में ले जाओ, लेकिन उसके लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं लगता था टू शेयर होल्डर्स। अब जब आप शेयर होल्डर्स को जस्टिफिकेशन देने की बात करते हो तो दूसरा क्वेश्चन ये आता था कि वेदर शेयर होल्डर्स हैड एन अपॉर्चुनिटी टू क्वेश्चन दैट और नॉट, उसको ऑब्जेक्शन ले सकते थे या नहीं ले सकते थे। तो ईज के लिए,
कि शेयर होल्डर्स हर पॉइंट पर श्योर हो कि कंपनी कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करी जो उनको बताया नहीं, हम लोग अदर ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल भर भर के लिख देते थे। अब वो 1956 के पाप 2013 में भी आ गए, आप आज भी अदर ऑब्जेक्ट्स देखोगे ना तो एक कंपनी जो खिलौने बनाती है ना वो अपने अदर ऑब्जेक्ट्स में लिखती है मैं हवाई जहाज भी बना सकती हूँ, जबकि कोई कनेक्शन नहीं है। वो सिर्फ खिलौने वाला हवाई जहाज जरूर बना सकती है लेकिन असली में एयरक्राफ्ट नहीं बना सकती, लेकिन उसके अदर ऑब्जेक्ट्स में आपको मिलेगा कि मैं अगर फ्यूचर में बोइंग 737 बनाना है तो वो भी बना सकती हूँ, जबकि कनेक्शन कुछ भी नहीं है, राइट। बस उसका पर्पस क्या था कि आपको शेयर होल्डर्स को जस्टिफाई नहीं करना पड़ता था, जो नए एक्ट में क्लॉज ही नहीं है, बट फिर भी वो जो प्रैक्टिस चली आ रही है, क्यों? उस सीएस के पास पुराने सब ड्राफ्ट्स रखे हुए थे, सैम्पल टेम्पलेट, तो जब नया एक्ट आया, नई कंपनीज हम लोगों ने बनाना स्टार्ट की तो सेम धड़ाधड़ उधर से उठा उठा के कॉपी पेस्ट किया, सिर्फ 1956 की जगह 2013 कर दिया और वही चल रहा है आज तक। इसकी वजह से अदर ऑब्जेक्ट्स आज तक कंपनीज के बहुत बड़े बड़े रहते हैं, बट उसका फॉर्मली अगर आप देखोगे तो कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि अदर ऑब्जेक्ट्स वाली एक्टिविटीज़ कंपनी कर ही नहीं सकती है। तो फ्यूचर में आपको कभी भी अगर एक्टिविटी करनी है सो इट हैज़ टू बिकम पार्ट ऑफ योर मेन ऑब्जेक्ट्स, अदरवाइज सेंस नहीं उस चीज़ का। चलो, ऑब्जेक्ट्स क्लॉज ऑल्टर कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्या करना पड़ेगा? जनरल मीटिंग, स्पेशल रेजोल्यूशन, है ना, सेम प्रोसेस, सेम ही है। अच्छा, कैसे प्रोसेस फ्लो कैसे जाता है? प्रोसीजर पढ़ा होगा ना एक्ट में, हाँ, क्या क्या? नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग, होल्ड बोर्ड मीटिंग, पास बोर्ड रेजोल्यूशन, अप्रूव नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, होल्ड जनरल मीटिंग, पास स्पेशल रेजोल्यूशन, इंटीमेशन टू ROC, MGT 14, 30 days, हाँ, लिस्टेड कंपनीज, नॉट फॉर द कंपनीज, है ना, और जो भी आपकी ऑल्टर्ड मेमोरेंडम की कॉपी है सील स्टैम्प करके सबमिटेड विद द ROC, है ना, और आपका ये ऑब्जेक्ट्स क्लॉज ऑल्टर हो जाता है। फ्यूचर में हर मेमोरेंडम की कॉपी आपको ऑल्टर्ड कॉपी इशू करनी है अगर आप किसी थर्ड पार्टी को देते हैं तो, है ना, सेम कहानी यहाँ पर लिखी हुई है। अच्छा, बस इसमें ना एक ये छोटा सा क्लॉज है, ज़रूर ध्यान रखना, जैसे पब्लिक इशू में क्या होता है, आप ऑब्जेक्ट्स बताते हैं कि क्यों आप पैसा रेस कर रहे हो, और फ्यूचर में ऐसा हो गया कि आपको उसमें कोई चेंज करना है, मतलब ऐसे फॉर एग्जांपल आपने जो IPO में फंडिंग रेस की थी, से यू डिड अ 500 क्रोर्स पब्लिक इशू, और उसमें आपको लेट से वॉचेस बनानी थी, ओके, उसके लिए आपने पैसा रेस किया, पैसा आ गया, अब 3 महीने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि यू डू नॉट वॉन्ट टू मैन्युफैक्चर वॉचेस, कारण इट मे नॉट बी दैट प्रॉफिटेबल, सो आपने डिसाइड किया कि आपको लेट्स से AC बनाना है, ओके, सो इन्वेस्टर ने पैसा क्या देख के दिया था, वॉचेस बना रहे हो, अब आप क्या बनाना चाहते हो, AC, तो बिल्कुल पैराडाइम ही बदल दिया आपने बिजनेस का, है ना। सो उस केस में प्रोविजन ऐसे हैं कि अब पहला ऑफकोर्स आपको शेयर होल्डर्स की परमिशन लेनी है, स्पेशल रेजोल्यूशन, और दूसरा अब मान लीजिए आपके पास 90% शेयर होल्डर्स का अप्रूवल आ गया, कितने बच गए, 10%, ये जो 10% शेयर होल्डर्स है डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स हैं, तो इन डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी है। एग्जिट अपॉर्चुनिटी मतलब कंपनी देगी क्या, नहीं, कंपनी ने दिया तो बायबैक हो जाता है, तो एग्जिट अपॉर्चुनिटी कौन देगा, कंपनी के प्रमोटर्स और कंपनी के जो लार्ज शेयर होल्डर्स हैं, राइट, वो बेसिकली एग्जिट अपॉर्चुनिटी देते हैं किसको, कंपनी के स्मॉल शेयर होल्डर्स को, कि भाई तुमने घड़ी देख के पैसा मेरे को दिया था, मैं AC बना रहा हूँ, सो अगर आपको लगता है कंटिन्यू करना है तो कंटिन्यू कर लो, अगर आपको लगता है कि मेरे को एग्जिट करना है तो वो आप एग्जिट कर सकते हो, और वो एग्जिट प्राइस आपको कौन देगा, प्रमोटर या फिर लार्ज शेयर होल्डर पे कर देगा। क्लियर है सबको? चलो, और इसमें एक दो क्लॉजेस हैं, ये अपन कल कंटिन्यू कर लेते हैं, है ना, और इसमें फिर आगे 2-3 ड्राफ्ट्स हैं, वो सब देखते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद।